दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं बेसिन के साथ साथ यहाँ पे कोलर का इस मोनोब्लॉक बेसिन मिक्सचर का अपार पार्ट लगाने के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हो। एकदम नया वीडियो है, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो बेसिन है दोस्तों, स्टैंड वाश बेसिन के साथ में यहाँ पे मैं इसको अभी फिट करूँगा। तो इसको लगाने से पहले, सबसे पहले बेसिन को लगाने से पहले मैं जो नल है इसको मैं लगाऊंगा। यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ, इसमें एक ऊपर स्क्रू आएगा। और इसका अगर दोस्तों आप कंसील वायरिंग की वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो इस टैप को लगाने से पहले इसका कंसील जो बॉडी है वो पहले आपको पाइपलाइन के साथ में फिट करना पड़ता है। इसी इम्पोर्टेंट नल को डाइनिंग एरिया में लगने वाला है। डाइनिंग एरिया के साथ में जो बेसिन आएगा वहाँ पे स्टैंड वाश बेसिन आ रहा है, उसके साथ में ये वाला रोज गोल्ड का यहाँ पे मोनोब्लॉक बेसिन मिक्सचर लगने वाला है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, कंथील वायरिंग के टाइम बहुत ही अच्छे से आपको इसको लेवल करके लगाना पड़ता है। उसके बाद में आपको यह टाइल्स लगने के बाद में, पत्थर या टाइल्स लगने के बाद में, उसके बाद में आपको इसका दोबारा नोजल वगैरह जो है लगाकर टेप को लगाना पड़ता है यहाँ पे इस मिक्सचर टेप को। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके साथ में जो एलिंकी आया था उससे मैं इसका इस कैप को खोल चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इसका दो नोजल जो है इसके साथ में आया है, इसको लेवल करके मुझे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं भी इसको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा लगाने से पहले। यहाँ पर लगाने से पहले अगर आप यहाँ पर गलती करते हो थोड़ा सा भी, तो क्या दोस्तों ये लीकेज कर सकता है, क्योंकि नोजल को आपको लेवल करके देख कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो अंदर का जो दो घाट है वहाँ पे एलिंकी फंसेगा, तो क्या दोस्तों ये बाहर निकल कर नहीं आएगा। उसके साथ में ये इसका जो वाशर है, इसका दोनों का नोजल का वहाँ तक पहुँचना चाहिए, एकदम सट कर बैठना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एलिंकी टाइट हो जाएगा, तो क्या ये निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से आपको उस नोजल को काट कर लगाना है, छोटा बड़ा करके मेजरमेंट करके लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें मैं टेपनो टेप लगा लेता हूँ और दोनों को अच्छे से लेबल करके अभी लगाकर आप लोगों को बताऊँगा। तो इस मिक्सचर टेप को आप में से कितने जन लगाए हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लगाने भी वाले हो आगे चल के अपने घर में, तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसको मैं फटाफट टाइट कर लेता हूँ। टेपनो टेप लगाने के बाद में अगर दोस्तों ज़्यादा अंदर चला जाता है तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करने का इसमें जगह मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस एलिंग के समय इसको आपको मेजरमेंट करके बता रहा हूँ, इतना बड़ा आ रहा है तो पूरा अंदर तक जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इसको ये आप देख लीजिए, तो आपको अच्छे ऐसे स्टेप से आपको अच्छे से मेजरमेंट कर लेना, कोई भी एक सामान चीज़ लेकर अंदर तक डालकर इसका टेप के अंदर। तो यहाँ पे दोनों को मैं अच्छे से टेपनल टेप लगा कर सीधा कर लूँगा। और ये आप देख लीजिए, मैं नाप कर देखा था तो टोटल 90 mm इसका बिल्कुल लेवल रहेगा, तो क्या दोस्तों एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे इसका ये वाला भाग आपको पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद में इसको मैं आपको इस टेप को पुश करना पड़ेगा बिल्कुल सीधा देख कर। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद में लगने के बाद में आपको सीधा देख कर आपको एलिंकी से इसको टाइट करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, अब आपको बैलेंस में एकदम बिल्कुल सीधा रखना है और नीचे से टाइट कर देना है एलिंकी से, क्या ये बिल्कुल टाइट में पकड़ कर बैठ जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद में नीचे से ये वाला भाग को आपको लगा देना है, इसका वाशर को एलिंकी का, वहाँ पे क्या है दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे इस बेसिन को लगाने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इसके साथ में बिल्कुल उस टाइप का ये रोज गोल्ड का यहाँ पे सभी सामान आया है। उसके साथ में ये वाला वेस्ट कवरिन मैं लगा रहा हूँ, तो इसमें हल्का सिलिकॉन देकर सबसे पहले वेस्ट कवरिन को मैं पुश कर दूँगा। और ये स्टैंड वाश बेसिन है, मतलब VIP लुकिंग है इसका, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब नीचे से वाशर और इस नाट को मैं लगा देता हूँ। अभी इसको दोस्तों जहाँ पे वहाँ जो नल लगा है, इसका बेसिन मिक्सचर लगा है वहाँ पर ये फिट करने वाला हूँ। लगाने के बाद में अब इसका ऊपर का यह पॉपअप वाला भाग को मैं लगा देता हूँ, ये इसमें क्या है दोस्तों पानी रुकेगा। और उसके बाद में इसका यह वाला मैं वेस्ट कवरिन को लगा देता हूँ और नीचे से एक पाइप को भी लगा दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और DR प्लम्बर पेज में देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा, वहाँ पर भी इस वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। अब देख लीजिए पॉपअप वॉश कपड़े ने ऊपर नीचे होता है, आप पानी भी इसमें रोक भी सकते हो। उसके बाद में इसको लगाने के बाद में सिंपली दोस्तों जहाँ पे जो आएगा, ये आप देख लीजिए इसका पूरा नाप का खांचा है, उसके अंदर आएगा और बिल्कुल नल का सेंटर में इसका वेस्ट कपलिन रहेगा। उसके बाद में साइड वाल से मैं नाप कर इसको लेवल करके बस छोड़ दूंगा, तो क्या है बेसिन लग गया है, बिल्कुल लेवल करके आपको एक बार छोड़ देना है। तो नीचे से आपको और कुछ नहीं लगाना है इस पर सिलिकॉन वगैरह, क्योंकि बेसिन का वेट काफ़ी है तो आराम से खड़ा रहेगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल
नल का सेंटर में करके मैं रखा हूँ जो वेस्ट कप लेना बेसिन का, तो क्या बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये आप देख लीजिए लग गया है। आप मैं आपको पानी चालू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी को चालू कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड में गर्म पानी आएगा इसमें भी, और राइट साइड में ठंडा पानी आएगा जिससे जैसे आप ओवरहेड करते हो। तो इसका अगर आप पार्ट वन वीडियो नहीं देखी हो तो इसका कंसील वायरिंग को लगाने के बारे में तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा तो क्या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको लगाने के बारे में। और ये कोई साधारण नल नहीं है, कंसील के साथ में इसको लगाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।